नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे, आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम हिस्ट्री को कम्प्लीट कर देंगे, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कम्प्लीट हम यहाँ पे करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हिस्ट्री नहीं हो गया है इन 7-8 वीडियो में आपका, इसके लिए मैं अलग से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जल्द ही आपके सामने वो कंटेंट हो जाएगा प्रोवाइड। ठीक है, तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपको वो कंटेंट मिल भी जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जीके जीएस के नाम से भी नया प्लेलिस्ट बना है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक कौन था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ होम्स। ठीक है ना, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसी के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था वो भी एओ होम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यहाँ पे 72 ये आंसर हो जाएगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और उनकी जो अध्यक्षता की थी फर्स्ट अधिवेशन की, वो थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगा आंसर एनी बेसेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह आपको ध्यान रख लेना है, वो है सरोजिनी नायडू। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनी बेसेंट इसका सही आंसर है। ओके, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो है जेबी कृपलानी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी कि गरम दल और नरम दल वो किस वर्ष हुआ था, वो आपको याद रखना है, 1907 में हुआ था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान। अगला जो सवाल है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, तो इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त की थी भारत ने उस रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे था, तो 1905 में जो है बंगाल के विभाजन से संबंधित था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट था, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला सवाल, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा, चंपारण सबसे पहले गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था, और याद रखिएगा चंपारण कहाँ पे है, चंपारण जो है आपका वो है बिहार में। ठीक है, और ये आंदोलन हुआ था 1917 में, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके पास में है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद, शांतिपूर्वक प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे अरविंद घोष। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट गाइज आपके पास में क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकालने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से निकट आए थे, वो थी लखनऊ। ठीक है, अधिवेशन कौन सा था, वो लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। ठीक है ना, तो जनरल डायर से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। उसको देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से लाठियों से पीटा था, इसलिए उनकी मृत्यु वहां पे हो गई थी। तो वो अधिवेशन था साइमन कमीशन। उसके बाद देखिए पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट भी इसे बोलते हैं, और ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता। आगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो है आगा खान। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रवादी नेता ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सदस्य अंग्रेज थे। क्यों किया गया था? क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। और उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी, तो वो हो जाएगा आपके पास में 1917 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और वो 1917 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला सवाल गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931। देखिए लगातार 3 साल 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, ये भी याद रखना। स्वतंत्रता भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है किस राज्य में बनी थी, तो वो है केरल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के, ठीक है ना, सदस्य बने थे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे, ये कह सकते हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है अध्यक्ष चुने गए थे पूर्ण स्वराज्य की शपथ। ठीक है, तो यहाँ से आगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ से आगे ये होगा अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके चुने गए थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया ही बने, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में पूर्ण साम्राज्य की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये भी आपको ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि पूर्ण साम्राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये है लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट आपके पास में है असहयोग आंदोलन का किसके कारण स्थगित कर दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड हो गया था उसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है गांधी का जो है दांडी यात्रा, दांडी मार्च किसका हिस्सा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखिए सर्वोदय और भूदान आंदोलन से किस कौन संबंधित है, तो आचार्य विनोबा भावे, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे। अगला जो बात करते हैं वो है हिंदू स्वराज्य व भाई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी की इंपोर्टेंट पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक है महात्मा गांधी की, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे, तो वो भी महात्मा गांधी थे, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के जो दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, तो वो था नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ये है चर्चिल ने। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो आगे देखिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किंग्स किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैं आपको बता चुका हूँ 1931। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव में किसको पराजय से अपनी हार बताया था, तो वो है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है ना, तो अपने गांधी जी ने, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने आपत्ति जाहिर की थी जब सुभाष चंद्र बोस विजेता बन गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है, और इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था, फिर बाद में उनको वापस चुन लिया गया था। नेक्स्ट देखिए कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो याद रखिएगा इन्होंने नारा दिया था करो या मरो 1942 में। अगला सवाल महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा था, तो वो था क्रिप्स मिशन, क्योंकि ये आपको जो है ये ऑफर देता था कि जो आपके पास में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके खत्म होने के बाद में वो लोग आपको अंग्रेज जो है स्वतंत्रता दे देंगे, सिर्फ इतना बोला जा रहा था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उत्तर तिथीय चेक कहा था, तो वो प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन। ठीक है, यह क्रिप्स प्रस्ताव भी से कहते हैं।
सो गाइज ये थे कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको सारे के सारे करवा दिए हैं, और आज ये लास्ट वीडियो था हिस्ट्री का। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो आप मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है गाइज, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करना, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपके लिए पहले से अवेलेबल है, पिछले साल का भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।